जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। भौतिक और सांसारिक जीवन में समस्त सुख पाने के लिए संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है, और भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी बताया गया है। प्रत्येक एकादशी को अति पुण्यकारी माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे उत्तम माना गया है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, निर्जल यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना। निर्जला एकादशी व्रत शुरू करने से लेकर व्रत पारण करने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जानी चाहिए। यह एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत को रखता है, उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन पुष्प, जल, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से करना चाहिए। निर्जला एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायिनी बताया गया है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। जय श्री हरि। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंदमग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास जी से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास जी की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं, तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। जय श्री हरि। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे, तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है, वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए, तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 माशे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माशे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे, तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं, उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। कथा सार: अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों व परिवार के बड़ों से कदापि नहीं छुपाना चाहिए। उन पर विश्वास रखते हुए भक्त को चाहिए कि वह अपना कष्ट उन्हें बताए, ताकि वे उसका कोई उचित उपाय कर सकें। उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बोलिए एकादशी माता की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी तिथि मुहूर्त एवं पारणा शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 21 जून 2021 दिन सोमवार। एकादशी तिथि आरंभ 20 जून 2021 को शाम 4:21 से। एकादशी तिथि समाप्त 21 जून 2021 को दोपहर 1:31 पर। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:28 तक। सायं संध्या मुहूर्त संध्या काल में 7:18 से 8:19 तक। एकादशी पारण शुभ मुहूर्त 22 जून 2021 को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:14 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:22 पर। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत एवं पूजन विधि: दशमी तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें, ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक कलश में गंगा जल लें और उसमें रोली मिलाएं। इसके बाद इस कलश से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी कलश से घट स्थापना करें और पंच पल्लव कलश में रखकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्री हरि की पूजा करें। अब घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें।
और भगवान श्री हरि के नामों का जाप करते रहें। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहां साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पारणावेदि एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मान पूर्वक विदा करें। इसके पश्चात चरणामृत लेकर व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री हरि। निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए करें ये कार्य। एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का करें दान। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान करने का, छाता दान करने का, बिस्तर दान करने का और वस्त्र दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जूते, छाता और पंखा दान करना शुभ माना जाता है। आम और खरबूज दान करना परम पुण्यदायी होता है। दान के साथ साथ पूरा दिन इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज तुलसी पूजन जरूर करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन तुलसी पूजन करने से श्रीहरि बेहद प्रसन्न होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी गायत्री मंत्र का जप करें। ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तुलसी माता की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।